बहुत ही खुशी हो रही है मुझे, मतलब इसमें मतलब मैं देश के लिए भी लग रहा है कि इस तरीके से मैं कर पा रही हूँ, और बेटा मैंने अपने देश के लिए समर्पित कर दिया आज के दिन। बेटा मैंने देश के लिए समर्पित कर दिया, ये बोल है एक माँ के, जिनकी आंखें गर्व और खुशी के मौके पर नम हो गई, क्योंकि मौका ही कुछ ऐसा था। बता दें, बहादुरगढ़ के गांव बालौर का बेटा प्रतीक शर्मा भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बन गया है, और ये खुशी किसी भी व्यक्ति का सीरा गर्व से चौड़ा कर सकती है, और यही गर्व और चेहरे पर मुस्कान आप प्रतीक शर्मा के परिवार के चेहरों पर भी देख सकते हैं। देहरादून स्थित IMA में हुई पासिंग आउट परेड के बाद जब लेफ्टिनेंट प्रतीक घर पहुंचे तो उनका शहरवासियों ने जोरदार स्वागत किया। माता पिता के साथ दादा दादी और नानी ने भी अपने लाडले को फूल माला पहनाकर आशीर्वाद दिया। जानकारी है कि प्रतीक भारतीय थल सेना की एविएशन कोर में बतौर लेफ्टिनेंट अपनी सेवाएं देंगे। प्रतीक के दादा भी भारतीय सेना से हवलदार के पद पर रिटायर हुए थे और पिता ओम प्रकाश मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कार्यरत हैं। दादा और पिता से प्रेरणा लेकर ही प्रतीक ने थल सेना की राह चुनी। वहीं प्रतीक की बुआ की बेटी भी 2019 में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर नियुक्त हुई थी, यानी कि प्रतीक का पूरा परिवार ही देश सेवा में लगा हुआ है। वहीं इस खास मौके पर प्रतीक का कहना है कि अगर युवा मन लगाकर मेहनत करे तो उन्हें अवश्य ही सफलता मिलेगी। जब मैं 12वीं कर रहा था उसी वक्त फरवरी में मेरी SSB थी जो कि वाराणसी में थी, तो उसी समय मेरा चयन हो चुका था और अप्रैल में मेरे मेडिकल थे और फिर जून में मैंने NDA ज्वाइन किया। उसके 3 साल के कड़ी प्रशिक्षण के बाद मैंने 1 साल IMA में प्रशिक्षण किया और फिर 10 जून 2023 को मैं IMA से पास आउट हुआ एज अ लेफ्टिनेंट। मेरा चयन है एविएशन कोर में हुआ है, तो मैं देश की सेवा करूँगा कि अगर किसी भी स्थिति में देश को मेरी जरूरत पड़ती है कि यहाँ पर पहुँचना कठिन है और हेलीकॉप्टर से पहुंचा जा सकता है, तो मैं उस तरीके से देश की सेवा करना चाहूंगा। वही बेटे की इस उपलब्धि से पिता ओम प्रकाश भी बेहद खुश हैं। सुनिए उनका क्या कहना है। मैं बेटे की सफलता पे बेहद उत्साहित हूँ और जैसा कि पता है कि देश के प्रति समर्पण जो है एक मेन इसका मोटो है इस सर्विस का, तो उसी तरह जो देश के समर्पण के लिए देश की सेवा के लिए आगे आना चाहते हैं उन पेरेंट्स को उन बच्चों को मैं कहूँगा कि आप लोग आगे आइए और एक बहुत अच्छा करियर अपने देश के लिए अपने लिए चुनिए और आगे बढ़िए। बता दें लेफ्टिनेंट प्रतीक शर्मा बहादुरगढ़ के बालौर गांव से सेना में पहले डायरेक्टर लेफ्टिनेंट कमीशन्ड ऑफिसर हैं। प्रतीक युवाओं के लिए एक प्रेरणा भी है और अब उम्मीद है कि प्रतीक से प्रेरणा लेकर क्षेत्र के अन्य युवा भी देश सेवा के लिए आगे आएंगे। बहादुरगढ़ से सूर्य समाचार के लिए प्रदीप धनखड़ की रिपोर्ट।